नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और भगवान आप पे आशीर्वाद बरसाएं। का मेरा टॉपिक है जमीन को नापना हुआ आसान, पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 नेक्स्ट वीक तक में आप लोग को मिल जाए। पहले भी मेरा एक वीडियो आ चुका है मेजरमेंट टेप एंड यूनिट्स, तो उसको जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे और पुराने वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो प्लीज उसको देखें, अच्छा लगेगा आपको। इसी के साथ करते हैं शुरुआत, लेट्स गो। जैसा कि फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक था, जमीन को नापना हुआ आसान, ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 देखने के लिए आप नेक्स्ट वीक का इंतजार करें। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, एक बीघा में 20 कट्ठा, एक कट्ठा में 20 धूर होता है, एक कट्ठा में 20 धूर होता है, एक धूर में 20 धुरकी होता है, एक धूर में 20 धुरकी होता है, और एक धूर में 5.5 से लेके 6.5 हाथ का एक धूर होता है, जो कि बिहार, असम और नेपाल जैसे प्रदेश में यूज होता है, राज्य में यूज होता है। एक गज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक गज में आपको 1.5 से लेके 2 कट्ठा होता है, एक गज में 1.5 कट्ठा से 2 कट्ठा होता है। एक हेक्टेयर में 79.07 कट्ठा होता है, एक हेक्टेयर में 79.07 कट्ठा होता है, जो कि अप्रोक्स आपको 80 कट्ठा होगा। और फ्रेंड, लेकिन बिहार में 68 कट्ठा का भी कहीं कहीं एक हेक्टेयर होता है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 4 बीघा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 बीघा और 8 कट्ठा। ठीक, 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है, तो इस ये हो जाएगा 1 बीघा और 12 कट्ठा, लेकिन बिहार में 27 कट्ठा का भी कहीं कहीं 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ में 27 कट्ठा भी होता है बिहार और अदर बहुत सारे स्टेट। जैसा कि फ्रेंड, 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होता है, 1 माइल में 1663444 मीटर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है जब, तो 1.609 किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1609.344 मीटर हो जाएगा, मतलब कि 1 मील में 1.609 किलोमीटर और 1 मील में 1609.344 मीटर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है डेसिमल, डेसिमल का यूज होता है पीएम किसान फॉर्म जब भरते हैं या अदर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे ज़मीन का डेसिमल में मांगता है कितना आपके पास डेसिमल है टोटल। तो फ्रेंड, 1 कट्ठा में 3.71 डेसिमल होता है, 1 कट्ठा में 3.71 डेसिमल होता है, और 1 धूर में 3.71/20 कहाँ से आया, 1 कट्ठा में कितना था, 20 धूर, तो ये 20 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18855 डेसिमल, 0.18855 डेसिमल होगा। 1 बीघा में कितना डेसिमल होता है, कोई पूछ दे 1 बीघा में कितना डेसिमल, तो 20 कट्ठा 1 बीघा में, 20 कट्ठा 1 बीघा में और 1 कट्ठा में 3.71 डेसिमल को जब गुना करेंगे तो 74.2 डेसिमल हो जाएगा, 1 बीघा में 74.2 डेसिमल। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास ज़मीन का प्लॉट है, एक ज़मीन का प्लॉट है, ये आपको ज़मीन का प्लॉट है 10 कट्ठा 7 धूर का है जमीन का प्लॉट, तो इसमें कितना डेसिमल होगा, डेसिमल
तो ये हो जाएगा 10 × 1 कट्ठा में कितना डेसिमल, 3.71 से गुना करेंगे 10 को, और प्लस 7 × धूर में, एक धूर में कितना था 0.1855, जब इसको गुना करेंगे तो 37.1 हो जाएगा इसको गुना करने पे इसको, और प्लस और इसको जब गुना करेंगे तो 1.2985 हो जाएगा। तब टोटल को जोड़ेंगे तो 38.3985 हो जाएगा, और ये जब राउंड 9 है तो ये राउंड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 38.4 डेसिमल हो जाएगा 10 कट्ठा 7 धूर में। दूसरा एग्जांपल लेके हम समझते हैं, 15 कट्ठा 12 धूर में कितना डेसिमल होगा, डेसिमल होगा होगा। तो एग्जांपल लेते हैं 15 × 1 कट्ठा में 3.71 डेसिमल, 15 कट्ठा इसलिए 15 से गुना कर दिए, प्लस 12 धूर है तो एक धूर में कितना डेसिमल 0.1855 होता है, तो 12 धूर है तो 12 से इसको गुना कर दिए, तो टोटल जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 57.876, जो कि अप्रॉक्स हो जाएगा लगभग 58 डेसिमल जमीन होगा। सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है इसका, तो आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है सिविल अनीस राज को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, वीडियो को जम के लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और वेट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।